मार्गदर्शन देता है माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी। परम श्रद्धेय गीतामणि श्री ज्ञानानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परमात्मानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर ही, ऐसा कहा है। एक गीता है तो शास्त्रों के विस्तार का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि जीवन के बारे में, व्यक्ति से लेकर विश्व तक सबके जीवन के बारे में, उसका सत्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, जीवन कैसे होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ये चिंतन तो जीवन के मूल में रहता ही है और विश्व में सर्वत्र चलता है। मनुष्य को चिंतन का गुण दिया है तो जानते जानते वो यहीं पहुंचता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये विश्व क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा और हमारा संबंध क्या है। सारे विश्व में चिंतन वहीं जाता है। विज्ञान भी जगत को खोजने का प्रयास इसीलिए करता है कि इसका उत्तर चाहिए। अपने भारतवर्ष में ये जो सारा प्रयास चला वो एक सत्य निष्कर्ष पर पहुंचा, अनेक धाराओं से चला, अनेक प्रकार से चला, विभिन्न संप्रदायों में से चला, देवी देवताओं की पूजा में से चला, योग ज्ञान भक्ति कर्म अनेक धाराओं से चला और सब मिलकर एक निचोड़ पे पहुंची। वो सारा गीता में है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उपनिषद देखते हैं हम तो बाहर कहां पर सत्य है, ये खोजबीन शुरू हुई, धीरे 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 अंदर मुड़े और जब मिल गया तब उसका सार सबको बताया। भगवत गीता में भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा है। उसके बाद भी चिंतन हुआ है लेकिन वो क्योंकि हमारे यहां फेथ नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे यहां कभी ये कहा नहीं हमारे पूर्वजों ने विश्वास रखो, उन्होंने कहा परीक्षा करो। मैंने ऐसा देखा है, मैंने, मेरी ये अनुभूति है, तुम करके देखो, श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हें भी वो अनुभूति मिलेगी, लेकिन बिना परीक्षा के विश्वास हमारे चिंतन में नहीं है। और इसलिए ये चिंतन की पराकाष्ठा होने के बाद भी, सत्य तक पहुंच जाने के बाद भी, बार बार हर पीढ़ी में ये विचार चला, पुराने लोगों का कहना, उसकी भी परीक्षा हुई, नए रास्ते भी खोजे गए और ये प्रक्रिया हमारे यहां सतत चलती है, चलती रहेगी। सत्य की निरंतर खोज का नाम हिंदुत्व है, ऐसा गांधी जी कहते थे। लेकिन इस निरंतर खोज का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचकर और उस तक पहुंचने के कारण उसके पहले हुए चिंतन का और उसके बाद में हुए और होने वाले चिंतन का सारांश भगवद गीता है। और वो चिंतन जीवन संबंधी होने के कारण भगवत गीता ये जीवन का धर्म है, यानी उसको जीना ही है। जब भगवत गीता हम पढ़ते तो भगवत गीता का संदर्भ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर पांडव और कौरव एकत्रित आए और पांडवों की ओर से मैं युद्ध करूंगा ऐसा सोचने वाला अर्जुन दोनों के बीच आ गया। ये हमारे आपके जीवन की हमारी स्थिति है, हमेशा ऐसी रहती है। व्यक्तिगत जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो, मनुष्यता जागतिक मनुष्यता का जीवन हो, कभी ऐसा हुआ नहीं कि दुष्ट लोग नहीं थे और कभी ऐसा हुआ नहीं कि सज्जन लोग नहीं थे। ये दोनों चिरंतन प्रवृत्तियां हैं। द्वैत नहीं वहां भगवान है, वहां ये द्वंद्व है ही नहीं। मुझे अनेक होना है ऐसे भगवान ने सोचा तो फिर दुनिया बनी, उसमें अनेक है और इसलिए उसमें दो प्रकार है, दो ही प्रकार है। मनुष्यों के अनेक प्रकार हम मानते हैं, भाषा से मानते हैं, पूजा से मानते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्यों के दो ही प्रकार है। एक देवत्व की ओर जाने वाला दैवी प्रकृति वाला, एक अधपतित होकर आसुरी प्रवृत्ति की ओर जाने वाला आसुरी। ये दो शक्तियां हमेशा रहती है और मनुष्य उन दोनों के बीच में आता है। स्वभाव से तो उसको देव ही बनना है लेकिन उसके लिए संघर्ष करना है, संघर्ष करना ही पड़ता है, टाल नहीं सकते। बहुत टाला पांडवों ने, युधिष्ठिर उनकी सत्प्रवृत्ति इतनी प्रचंड थी कि हर बात को उन्होंने नियम से जिया और सदा दूसरों के प्रति उदार रहे। तो बंधुओं में झगड़ा नहीं, ये भी धर्म है, भाइयों ने आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुमको मिला मुझको मिला ये भाइयों के विचार का विषय नहीं हो सकता, भाई को मिला यानी मुझे ही मिला। और इस बुद्धि से युधिष्ठिर ने हर बार छोड़ दिया, हर बार छोड़ दिया, हर बार छोड़ दिया। भगवान कृष्ण जब से साथ हुए उनके, तब से भगवान कृष्ण ने शायद एक दूसरे धर्म का विचार किया होगा। उन्होंने तुरंत उनको युद्ध करने को कहा नहीं, उन्होंने बहुत सलाह वगैरह बहुत बार दी लेकिन कभी भी युधिष्ठिर के मन के विरुद्ध वो गए नहीं। जब सारा होने के बाद युधिष्ठिर को ध्यान में आया कि अब युद्ध करना पड़ेगा तो फिर विचार हुआ, उसमें युधिष्ठिर ने भगवान के वचन का आश्रय लिया कि हम तो भगवान कृष्ण कहेंगे वही करने वाले हैं, वही हमारे सब कुछ है, और फिर उनको शिष्टाई के लिए भेजा। प्रसंग है महाभारत में, तो टलता नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, गीता पर प्रवचन करते समय अंग्रेजी में प्रवचन होते थे, वो कहते थे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट ऑन द राइट ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्रॉब्लम इट इज थ्रू द प्रॉब्लम। यानी समस्या जो भी है उसका हेड ऑन मुकाबला करो, भागो नहीं। ये गीता की पहली सीख है, भागना मना है। क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये विश्व की नित्य स्थिति है और हम उसके बीच में है। अब हमको लड़ना ही पड़ेगा, दोनों तरफ लोग दिखते ही है, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष का समर्थन होता है, तर्क दिए जाते हैं। मनुष्य तर्क का निर्णय कैसे करता है, अपने रुचि के अनुसार करता है। इसको भगवान भी नहीं बदलते, बदल सकते हैं लेकिन बदलते नहीं। भगवान ने स्वातंत्र्य दिया, सब कुछ वही करते हैं वही चलाते ही है, लेकिन उस मर्यादा में उन्होंने मनुष्य को विचार दिया है और विचार के अनुसार निर्णय का स्वातंत्र्य दिया है। और इसलिए अर्जुन को मोह हुआ है कि मेरे ही तो अपने लोग हैं, चलो दुर्योधन दुष्ट है, दुशासन दुष्ट है, शकुनी दुष्ट है, लेकिन भीष्म है भाई, हमारे दादा है, हमको शुद्ध प्रेम उन्होंने दिया है, हमारे हितैषी भी है उधर रहकर भी, हमारे मामा है शल्य,
हमारे गुरु है द्रोण, इनको मार के हम कैसे राज्य लेंगे। अब तर्क है, दोनों तरफ तर्क है, इसमें भी तर्क है, वास्तविकता है। और युद्ध के परिणाम कभी अच्छे होते हैं क्या? नहीं होते। धर्म के लिए भी युद्ध किया जाए, संहार तो होता ही है। महाभारत का युद्ध होने के बाद एक तो अपना प्राचीन ज्ञान था उसका पूर्ण लोप हो गया। विशेषकर ये शस्त्रास्त्र विद्या जानने वाले जितने जानकार लोग थे सब के सब उस युद्ध में मारे गए। एक कथाकार तो ऐसा कहते हुए मैंने उनको सुना है कि कृष्ण की योजना ही थी कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसके हाथ ये ज्ञान नहीं लगना चाहिए, इसलिए सबको उन्होंने मरवाया। भगवान ने कहा मैंने पहले ही योजना करके रखी है, तू निमित्त मात्र हो। तो योजना का एक अंग ये भी रहा होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है। और इस युद्ध में खड़ा है तो अर्जुन ऐसा विचार कर रहा है, कह रहा है युद्ध के परिणाम भयंकर होते, कुल धर्म उच्छेद हो जाते हैं, संकर होता है, ऐसा सब सही बातें हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस युक्तिवाद में बहुत दम है, इसीलिए हम लोग आजकल की भाषा में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना, इधर जाना कि उधर जाना, इधर भी कुछ बातें हैं लेकिन उधर भी कुछ बातें हैं। तो निर्णय कैसे करना? तो भगवान कहते हैं पहले अपने विकारों से अलग हो जाओ। ये चलता रहता है, ये सदा नित्य स्थिति है, ऐसा ही रहता है। और इसमें मरते हैं, फिर पुनर्जन्मते हैं, फिर से मरते हैं, चलते रहता है। ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब राजा लोग नहीं थे। ये तो शरीर बदलते हैं, जो नश्वर है वो जाता है, वो नश्वर उसका कभी उसकी कोई सत्ता नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। उसका विचार तुम मत करो, जो नित्य है शाश्वत है उसका विचार करो, सुख दुख का विचार मत करो, हर्षामर्ष का विचार मत करो, लाभ हानि का विचार मत करो, जय पराजय का विचार मत करो, ये सब चलते रहते हैं। तुम विचार करो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। और इसलिए वो धर्म तुमको जानना है तो पहले अपने विकारों से अलग होना पड़ेगा, विषयों से अलग होना पड़ेगा। युद्ध करना है निर्विकार होके करो, आगे कहा युद्धस्व विगत ज्वरा, ज्वर नहीं आना चाहिए। युद्ध तो करना चाहिए, युद्ध का ज्वर नहीं आना चाहिए। युद्ध करते तब जोश आता है ना, उस समय आता ही है, लेकिन युद्ध चला जाने के बाद भी जोश रहता है। अभी भी आपको जय श्री राम जोर से कहने में आनंद आता है, आंदोलन तो हो गया, कितने साल हो गए, लेकिन नारे अभी भी लगते। जिन्होंने देखा नहीं उस आंदोलन को वो भी नारे देते। तो ये लिप्त नहीं होना, कर्म करो उसमें रमो मत। संत थे गाड़गे बाबा विदर्भ में, वो समाज में बहुत अच्छा आचरण का उपदेश देते हैं, बहुत यानी वैराग्य का धगधगता एकदम अग्निकुंड, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और वो बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, भंडारा लगवाते थे, सारी तैयारी स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर सारी सफाई करते थे, बहुत लोग श्रद्धा से 10-10 हजार लोग आते थे। सारी तैयारी होने के बाद भंडारा शुरू होते ही वो गायब हो जाते और वहां रहते नहीं थे, वो किसी दूर के गांव में जाके वहां पर उत्सव और भंडारी की तैयारी में लग जाते। तो करो लेकिन उसमें रमो मत। और ये तब तुम कर सकोगे जब तुम अपने शरीर के विकारों से अलग होके करोगे, नित्य उसी में रमोगे। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः, इच्छा होती है, फिर रम गए तो लगता है
कि बड़ा मजा आ रहा है, संघ ने सरसंघ चालक बनाया, कर्तव्य है, लेकिन रम गए तो लगता है अच्छा है, हर जगह बुलाते, भाषण करवाते, फोटो वोटो छपता है, न्यूज आती है, देखने को मन करता है, मनुष्य है, इसमें रम गए तो इधर जाते हैं, संग हो जाता है। और फिर एक भाषण हुआ और उसकी कोई न्यूज नहीं छपी, तो ना क्या आजकल मीडिया हो रहा है, फालतू की बातें छापता है, महत्वपूर्ण बातें छापता ही नहीं। संजात संजायते कामा, काम पूर्ण नहीं हुआ, कामात क्रोधो ही जायते, और क्रोध के कारण बुद्धि मोहित होती है, उसके कारण हम कौन है इसको हम भूल जाते हैं। सरसंग चालक तुम पहले नहीं थे, नहीं भी रहोगे आगे, ये भी हो सकता है, ये कोई परमानेंट पद नहीं है, तुम स्वयंसेवक हो, तुम्हारा स्वरूप वो है, वो याद रहना चाहिए, वो भूल जाते हैं और बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश जिसका होता है उसका नाश होता है। इसलिए दो टूक बता दिया भगवान ने कि तुम ये चिंता मत करो, फालतू तत्व ज्ञान मत बताओ, ये होगा वो होगा, तुम जानते हो कि कोई मरता नहीं कोई मारता नहीं, जो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो नष्ट होता है उसकी कभी सत्ता नहीं है, वो सदैव परिवर्तनशील है। और तुम क्या रोकोगे इसको, तुम न स्वयं कुछ करना रोक सकते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम कितने दिन अपमान सहन करोगे, एक दिन तुम हाथ में शस्त्र लोगे, और तुम कह रहे हो तो मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये क्या बात है, जीवन धारणा के लिए कर्तव्य करना ही पड़ता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य महाराज जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। धर्म धारणा करता है, सारे विश्व को चलाता है, तो व्यक्तिगत जीवन में एक समस्या उत्पन्न है उसका भी उत्तर है। और ये जो युद्ध अर्जुन को करना है वो जैसा बचकानी बुद्धि में लोग बताए कि दो भाइयों का स्टेट का झगड़ा था, ऐसा नहीं है, ये केवल कौरव पांडवों का युद्ध हुआ ऐसा नहीं है, चीन से गांधार से लेकर तो श्रीलंका तक के राजा वहां इकट्ठा आए थे कि सब तर्क हो गए, सब युक्तिवाद हो गए, धर्म का निर्णय करना है, धर्म पांडवों के पास है कि कौरवों के पास है, निर्णय हो नहीं रहा है, अब एक ही उपाय है, जिस बात का निर्णय किसी बात से नहीं होता उस बात का निर्णय शक्ति करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अंततोगत्वा हो ही जाता है। इसलिए सज्जन लोगों को भी वो इस नियम से नहीं चलते और नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनके पास लाठी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि दुष्प्रवृत्ति भी सदा रहेगी, तो व्यापक मनुष्यता और राष्ट्र का भी ये प्रसंग है हमारे जीवन में, वो भी आता है। हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमको अपना सुख दुख मान अपमान अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के साथ जुड़े कई बार अनुभव आता है। आजकल हम लोग कभी घूमने विदेश जाते हैं तो गर्दन ऊंची करके चल सकते हैं, चलते हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे देश की स्थिति बदल गई। ये युद्ध धर्म युद्ध है, हो सकता है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र इनका झगड़ा होता तो कृष्ण बीच में बैठा के मध्यस्थी करके स्टेट बांट के कर देते, भीष्म ने कर दिया था, भीष्म ने बांट दिया था इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, लेकिन ये उसका सवाल नहीं था, धर्म अधर्म का, समाज की धारणा का, समाज के मूल्यों का, इस देश में जो माताओं के प्रति दृष्टि है मातृवत परदारेषु, उस मूल्य का सवाल था। और इतना ही नहीं, गीता में यह भी बताया है कि मनुष्यों के किस आचरण से विश्व की धारणा होती है और किस आचरण को करने से विश्व का नाश होता है,
पूरा पर्यावरण के प्रति अपनी जो दृष्टि है उसका सारांश में 6-7 श्लोकों में भगवान ने दिया है कि हम जो कुछ करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्या, पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्नाद भवति भूतानि, ऐसा चलता है चक्र, लाइफ साइकिल जो है सृष्टि, इकोलॉजिकल साइकिल पूरा दिया है कि इस चक्र, ये जो चक्र मेरे उत्पन्न किया है विश्व को चलाने के लिए, उसके अनुसार जो चलता है वो ठीक चलता है, इसको जो तोड़ता है वो पापी है, ऐसा सीधा कहा है। विश्व से जो लेते हैं वो विश्व को देना है, देने का नाम यज्ञ है। अपने परिश्रम से जो कमाया है वो बांटना है, अपने को जितना आवश्यक है उतना रखना, बाकी देना। तो आज वैश्विक समस्या जो है, मानवता कैसे जिए विश्व के साथ, उसका भी उत्तर उसमें है। आज दुनिया अलग अलग शब्दों में वही कह रही, हमारे पास एक 5125 वर्षों से ज्ञान पढ़ा है हमारे यहां, संपूर्ण जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन भगवद गीता में है। भगवद गीता में है यानी 700 श्लोकों की छपी हुई पुस्तिका नहीं, उसमें जो विचार है उसमें है। और वो उस विचार में इसलिए है ऐसा हम कहते हैं कि उस विचार के आधार पर हमारे पूर्वज जब जब चले हैं तब तब हमारा देश संपूर्ण विश्व के लिए राहत बनकर खड़ा हुआ, स्वयं भी और विश्व भी। और उसकी आज आवश्यकता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है। ज्ञान तो सर्वत्र है, सभी में है। चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमास त्रिपिटका गुरुग्रंथस सतांगिरा एष ज्ञान निधि। ये हमारा ज्ञान निधि है, श्रेष्ठ ज्ञान निधि है। लेकिन इस पूरे ज्ञान निधि का सारांश अगर आपको छोटी पुस्तिका में चाहिए, 700 श्लोकों में चाहिए, 700 श्लोकों का भी 18 श्लोकों में चाहिए और 18 का भी 3 में चाहिए, तो एक मिनट एक साथ गीता पाठ। जो 3 श्लोक चुने गए हैं वो 3 श्लोक वास्तव में सारा हूं। पहले सिचुएशन बताई है क्या, पहला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये हमारी सदा स्थिति है। आप ये मत मानिए कि उस समय अर्जुन की स्थिति ऐसी थी, हम सब जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो अर्जुन की ही भूमिका में रहते हैं। याद करो अपने जीवन को बीते हुए और आज की, नित्य प्रति ये आता है और हम मोहित हो सकते। और फिर दूसरा बताए, एक ध्यान में रखना, अनन्याश्चिंत यो मान यो माम पर्युपासते तेषाम निष्ठ्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यम। बहुत रास्ते हैं, पहला ज्ञान का बताया है कि भाई सब कुछ ये मेरा निर्माण किया हुआ है और प्रकृति का खेल यानी त्रिगुणमयी प्रकृति गुणों से ही अपने गुणों में बरतती है, उसका कोई मतलब नहीं है, शाश्वत मैं हूं ऐसा तुम जा। लेकिन ये ज्ञानियों का काम है, संतों का काम है, सामान्य मनुष्य क्या करेगा। तो उसके लिए पर्याय दिया है, भाई तुम्हारे लिए वो नहीं है, तुम कर्म करो, कर्म में से सीखते चलो, सीखने के लिए निस्संग होकर कर्म करो, सुख दुख में समबुद्धि रहो, सबको समदृष्टि से देखो, कुशलता पूर्वक करो, उत्कृष्ट करो और मेरा सदा स्मरण रखो। स्मरण कैसे रखे, कर्म करने जाएंगे आपको कैसे स्मरण करेंगे, उधर ही ध्यान रहेगा। नारद जी को बताया था भगवान ने, वो कहे कि मेरे से कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं, तो बोले एक है, बोले क्या है, तो एक बार जाके आओ देख के आओ। गए तो वो कुम्हार थे, गोरा कुम्हार महाराष्ट्र में कहते थे, वो अपने मटके बनाते थे, दिन भर बहुत काम मेहनत का काम होता है सब करते थे, रात को सोने के पहले 3 बार भगवान का नाम लेते। नारद जी आए, कहा भगवान को कि क्या है महाराज,
तीन बार केवल देता है, सारा है, घर गृहस्थी सब कुछ है, कोई जंजाल से बाहर नहीं है, और तीन बार केवल नाम लेता है। अब मेरा तो नित्य, मेरा रोम रोम आपका नाम ले रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं उसका उत्तर, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, एक पृथ्वी प्रदक्षिणा करके आओ, लेकिन एक तेल का लोटा लेके जाओ, पूरा लबालब भरा हुआ, और वो साथ में घुमा के लाओ, लेकिन देखना एक एक बूंद भी गिरने नहीं चाहिए। ठीक है, गए पृथ्वी प्रदक्षिणा करके आए, बोला हो गई, हाँ लोटा बिल्कुल देखिए लबालब भरा है, बहुत अच्छा। तो मेरा नाम स्मरण तो किया ही होगा, तो महाराज हमेशा करता हूं, लेकिन अब ये तेल की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, आपकी आज्ञा थी। तो बोले ये तुमको मैंने नियत कर्म दिया था, उनको जो नियत कर्म दिया था वो पूरा करके भी रात को वो तीन बार मेरा नाम लेता था, कौन श्रेष्ठ है बताओ? ये कर्मयोग है, करो मेरा ध्यान रखो, नहीं मैं भूल जाऊंगा। अभ्यास करो, अभ्यास से होता है, नहीं उससे भी नहीं होता, ठीक है फल की आशा मत करो, फल के प्रति बेखबर रहो, लेकिन बड़ा कठिन, ठीक है तुम जो करना है करो, मेरे को अर्पण करो सब कुछ, सतत मेरा नाम लेने का प्रयास करो, काम करो, काम करते समय ध्यान रखना, अच्छा करना, सद्भावना से करना, गुणों से करना, क्या करना कैसे करना वो भी उपाय बताए हैं, थोड़े में आखिरी में वो उपाय भगवान का मैं बताता हूं, भगवान ने बताया है और मैं क्या बताऊं, यहां ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन उन्हीं से सुना है। तीन प्रकार की तपश्चर्या बताई है, एक शरीर का तप, एक मन का तप, एक वाणी का तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जयम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसास शारीरम तपोच्यते। दूसरा, कभी कभी हम बहुत जोर से बोलते हैं ना, जोर से वगैरह बोलते हैं, अच्छा है, कभी कभी बोलना भी पड़ता है, जब बोलना पड़ता है तब तो बोलना ही चाहिए, लेकिन हमेशा वैसे ही बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, उल्टा भगवान ने बताया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। उसके लिए स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपो वांग्मयम तपो उच्चते। उसके लिए मन कैसा चाहिए, मनः प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस उच्यते। अब इसका अर्थ वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, वो बड़ा गहन भी है और लंबा भी है और मुझे ठीक ठीक आता नहीं, अधिकारी पुरुष बैठे उनके सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी चाहिए, वैसे भी समय हो चला है। इन तीन तपों का आचरण हम करें, एक मिनट एक साथ एक गीता पाठ होने के बाद जैसे ये तीन श्लोक हम कहेंगे, इन तीन तपों का भी स्मरण कीजिए और इसका आचरण धीरे धीरे करते उसमें कुशल बन जाइए, तो यह कर्मयोग हमारे लिए, हम सब सामान्य लोगों के लिए एक साध्य बात है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, कष्ट साध्य है। कष्ट तो हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिलने से बाकी कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, वो इस गीता मार्ग से हमको मिलने वाला है, तो उसके लिए ये कष्ट यानी बहुत सस्ता सौदा है, वो सौदा करें और उस पर चले, ऐसा एक अनुरोध मेरे सहित आप सबको आज मैं करता हूं। और एक लंबा मेरा वक्तव्य आपने शांति से सुन लिया, कुछ भूल चूक हो गई तो आचार्यगण क्षमा करेंगे। आप सबको नमस्कार और धन्यवाद। निर्वय सज्जनों जिनकी बात